दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रसारण के क्षेत्र और ट्रांसमीटर के एंटीना की ऊंचाई के बीच संबंध के बारे में सीखेंगे। या करके उसको दूसरे रूप में भी पूछता है क्वेश्चन, ट्रांसमीटर की एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कह रहा है कि ये जो हमारा है ये एंटीना है, ये जो हमारा PQ जो चाप दिखाया गया है ये पृथ्वी का सतह है जिसकी त्रिज्या हमारा पृथ्वी का केंद्र अगर O माना जाए तो इसकी त्रिज्या हमारा OQ, OP और OA होगा। पृथ्वी के सतह पर बिंदु A पर h ऊंचाई पर एक एंटीना, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक एक एंटीना व्यवस्थित है। इसकी ऊंचाई A से T तक h है। कह रहा है कि ये जो हमारा TP और ये जो हमारा AP ये लगभग दूरी समान है जो D के बराबर है। इस PQ को मिलाया गया है और इस TA को आगे की ओर बढ़ाया है पृथ्वी के केंद्र की ओर, जो इस PQ के मिले हुए भाग पर बिंदु M पर काटती है। अब कह रहा है हमारा समकोण त्रिभुज OPT में, समकोण त्रिभुज हमारा OPT में ये जो हमारा OPT समकोण त्रिभुज है, अगर इसको हम अगर वृत्त मान ले तो ये हमारा स्पर्श रेखा होगी और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए ये जो हमारा OPT है यह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस हिसाब से हमारा OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, हमारा जो OT है वह कर्ण है तो OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, ये हमारा TP है। अब कह रहा है हमारा OT जो है ये O और T जो हमारा है ये हमारा AT प्लस OA से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग OT के जगह पर OA प्लस AT का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि OT जो हमारा है वह OA प्लस AT के बराबर है। अब हमारा है ये तो बराबर हो गया तो इसको जो का लिख दिए। अब हमारा OP को जो का तो लिखा गया OP स्क्वायर प्लस TP को स्क्वायर को जो का तो लिखा गया। अब हमारा OA बराबर OP बराबर कैपिटल R, OA बराबर OP बराबर कैपिटल R, ये हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है AT। AT AT हमारा एंटीना की ऊंचाई है और TP बराबर AP बराबर D, ये जो TP है लगभग AP के बराबर है, इसको हम लोग D मान लिए हैं। अब कह रहा है कि इन सभी का मान हम लोग इसमें देते हैं, हमारा जगह OA प्लस AT को हम लोग लिखते हैं R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर OP हमारा है R तो R स्क्वायर प्लस TP हमारा D है तो D का स्क्वायर, इसको हम लोग A प्लस B के होल स्क्वायर पर A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसी हिसाब से R स्क्वायर प्लस 2RH प्लस H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दोनों तरफ हमारा आर स्क्वायर से आर, दोनों तरफ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2RH प्लस H स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। अब कहता है R की तुलना में
H का मान बहुत छोटा है, ये जो हमारा R है इसकी तुलना में इस H का मान बहुत छोटा है, अतः H स्क्वायर को H स्क्वायर बराबर जीरो लेने पर इस एच स्क्वायर की जगह पर हम लोग जीरो लेंगे, हो जाएगा टू आर एच प्लस जीरो बराबर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर टू आर एच स्क्वायर। जब बाएं तरफ से दाएं तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है, डी बराबर रूट अंडर टू आर एच। ये जो हमारा है ये ट्रांसमीटर के एंटीना के ऊंचाई के लिए व्यंजक है, कहता है इससे स्पष्ट है कि एंटीना की ऊंचाई जितनी अधिक होगी प्रसारण उतना अधिक क्षेत्र में होगा, इस एंटीना की ऊंचाई जितनी अधिक होगी प्रसारण उतने ही अधिक क्षेत्र में होगा। दोस्तों अब ये अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।